नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 4 जुलाई। चलिए देख लेते हैं 4 जुलाई के प्रमुख शैक्षिक समाचार। इससे पहले दोस्तों आपसे एक इम्पोर्टेंट वार्ता करनी थी। दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मैं जो लेसन पढ़ाता हूँ उसकी पहले PDF डाल देता हूँ, फिर उसका टेस्ट होता है। जैसे आज राजस्थान अध्ययन का 2nd लेसन है, इसकी PDF डाल दी गई है, 8th क्लास की पूरी आप देख सकते हैं। ये आपको पढ़नी होगी, फिर शाम को इसका टेस्ट होगा। वैसे मैं ये करवाऊंगा भी, आपको पढ़ाऊंगा भी, यहाँ नहीं पढ़ पाए तो मैं पढ़ाऊंगा पहले इसको पूरे को, फिर इसका टेस्ट होता है। जैसे कल भी टेस्ट लिया, ये देखिए दोस्तों ये कल शाम की टेस्ट की क्लास है। इससे पहले सुबह मैंने PDF डाल दी थी, PDF आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये राजस्थान अध्ययन का 8th क्लास का ये PDF डाला गया था सुबह, ये देखिए ये सुबह डाल दिया गया था। तो ये दोस्तों आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा परीक्षा, 292 में से 69 अभ्यर्थी ही पहुंचे परीक्षा देने, अजमेर। प्री DLED परीक्षा का परिणाम घोषित, NCTE से मान्यता रद्द, 5 साल BEd कॉलेजों से, 5 BEd कॉलेज में दूसरे विषयों के टीचर लगाने पर विवाद, सेटअप परिवर्तन हो चुके शिक्षकों का, फिर से कर दिया सेटअप। पटवार परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार, प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से हटाया, अब मिलेगा दाखिला, नेट की उत्तर कुंजी को अब नहीं दे सकेंगे चुनौती। इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट, प्रत्येक स्कूल को मिलेंगे 1.25 लाख, सरकारी स्कूलों में नहीं कंप्यूटर शिक्षक, विशेष शिक्षा के व्याख्याता नहीं होने से बच्चे परेशान, प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने पर मांगा जवाब, अंक तालिका में नाम बदलने के आदेश पर रोक, कॉलेजों में विद्यार्थियों को फीस जमा कराने का एक मौका और दिया, CBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में आज अवकाश, कल होगा गणित का पेपर, अजमेर। ब्रज विश्वविद्यालय BSc तृतीय वर्ष रिजल्ट की होगी जांच, व्याख्याताओं की पदोन्नति में आ रही खामियां दूर की जाए, रिशफल के बाद चयनित हुए नए शिक्षकों की काउंसलिंग 7 व 8 को, अलवर। राज्य बाल आयोग ने मांगी रिपोर्ट, स्कूल पहुंचे DEO। सरकारी कॉलेजों में 180 दिन होगी पढ़ाई, संस्कृत शिक्षा में कई सालों से नहीं हुई शिक्षकों की पदोन्नति, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय कर्मियों की होगी भर्ती, सेना भर्ती कुछ सफल अभ्यर्थियों के 2-2 रजिस्ट्रेशन मिले, इनकी आगे की प्रक्रिया रोकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब हिंदी सहित 6 भाषाओं में भी, स्कूलों में सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आज से, रीशफल लेवल प्रथम शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द, शिक्षकों के 8200 और शारीरिक शिक्षकों के 1100 पद बढ़े, अगले साल जून तक लागू होगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्रवेश शुरू, आयुक्तालय ने प्रवेश नवीनीकरण की फीस जमा कराने की तारीख बढ़ाई, RU में स्नातक की 6500 सीटों पर अब तक CBSE के सिर्फ 200 छात्रों के एडमिशन, हिंदी से अंग्रेजी में बदले स्कूल का विरोध, रूसा ग्रांट मिलते ही RU में शुरू होंगे 15 नए कोर्स, अब हर राउंड में मिलेगा NRI का कोटा, स्वास्थ्य केंद्र में लगे लैब असिस्टेंट व रेडियोग्राफर को नहीं हटाएं हाईकोर्ट, सेना भर्ती में जिले के 1803 युवा दौड़ेंगे, भर्ती कार्यालय ने जारी किया शेड्यूल, 20 से 29 तक भीलवाड़ा में होगी भर्ती, मल्टीपर्पज इंग्लिश मीडियम स्कूल में आवेदन की अंतिम तिथि आज, कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन,
छात्रावास में बच्चों को पीटने के मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। स्किल यूनिवर्सिटी में 75 से 80% तक अंक वाले छात्र छात्राओं को फ्री एडमिशन। अंग्रेजी स्कूल में बेटियां ज़्यादा, 6 शिक्षक ड्यूटी पर। सहकारिता विभाग में कार्मिक का आरएस 2016 परीक्षा में चयन। शिक्षा नीति को प्रोत्साहन चाहिए, राजनीति नहीं। MDSU एडमिशन 8 से 24 तक जमा होंगे फॉर्म। रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ के 1937 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19 से। बैकलॉग के पद नहीं भरने पर मांगा जवाब। मोदी सरकार की 2024 तक हर घर को नल से पानी देने की मुहिम। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर में खराबी। फोटो वीडियो डाउनलोडिंग फेल। ये थे दोस्तों आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार।